दुनिया के देशों पर प्रतिबंधों के नरम गरम इतिहास के बावजूद इस बार बात कुछ अलग थी। सामने था नाभिकीय ताकत से लैस जिद्दी रूस। जो अब शीत युद्ध के दौर में नहीं था, जो दुनिया की आंख में आंख डालकर यूक्रेन पर बम बरसा रहा था, वही रूस जो ऊर्जा का, धातुओं का बादशाह भी है, जिसकी मुट्ठी में यूरोप की बिजली है, तेल बाजार की ताकत है, गेहूं की सप्लाई है। उसे तोड़ने के लिए दुनिया को भारी कीमत चुकानी थी, वह कीमत चुकाई गई। ऊर्जा और धातुओं के बाजार में महंगाई की आग लगाई गई, उसकी आंच पर रूस को घेरने वाले प्रतिबंध तैयार हुए। तो मामला भले ही जंग का हो या विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का, जीत हार की रणनीति में व्यापार हमेशा से सबसे कीमती रहा है। यकीन मानिए, ना तो युद्ध पुराने हैं और ना ही प्रतिबंध या सैंक्शंस। आइए पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। अगर आप ग्रीस के शहर एथेंस में हैं, तो भव्य एक्रोपोलिस के सजीले खंडहर आपको जरूर देख रहे होंगे। एक्रोपोलिस यानी ऊपर वाला शहर, 3400 साल पुराना वह नगर जो एथेंस में करीब 150 फीट ऊंची पहाड़ी पर है। एक्रोपोलिस एथेंस तो क्या पूरी दुनिया की पहचान है, यह सबसे पुराने जीवंत स्मारकों में है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रूस यूक्रेन के झगड़े में ग्रीस का जिक्र कैसे, वह तो खुद दिवालियेपन से उबरने की कोशिश कर रहा है। तो साहब, मामला यह है कि रूस पर प्रतिबंधों की चर्चा जो अब गली नुक्कड़ों तक आम हो गई है, उसका सबसे पुराना रिश्ता एथेंस के इसी एक्रोपोलिस से है। या यूं कह लीजिए कि इस एक्रोपोलिस को बनाने वाले से। कहानी शुरू होती है ईसा पूर्व 460 में। ग्रीस में तब सिटी स्टेट का दौर था, यानी नगर राज्यों का। महान एथेंस सिटी स्टेट की कमान पेरक्लीज के हाथ में थी। पेरक्लीज को केवल एक्रोपोलिस के निर्माता के तौर पर याद करना जरा नाइंसाफी होगी। पेरक्लीज तो एथेनियन लोकतंत्र का जन्मदाता था। वह लोकतंत्र के सबसे पुराने संस्थापकों के तौर पर इतिहास में चमकता है। उसने पहली बार एथेंस में आम गरीब गुर्वों को सत्ता में भागीदारी दी। उसने एथेंस की नोबेल काउंसिल, जिसे एरियोपोगस कहते थे और जिस पर वहां के सामंतों का कब्जा था, उसके चुनाव में लोगों को एरियोपोगस के खिलाफ मतदान के लिए प्रेरित किया। यह चुनाव एथेंस की पॉपुलर काउंसिल का था। इस चुनाव के बाद एरियोपोगस के अधिकार खत्म हो गए और लोकतंत्र स्थापित हुआ। पेरक्लीज को एक और काम के लिए जाना जाता है। वह दुनिया का पहला आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाला सम्राट था। यह प्रतिबंध मेगारा के सिटी स्टेट पर लगाया गया था, जो उस वक्त के सबसे व्यस्त बंदरगाहों का मालिक राज्य था। मेगारा आज भी ग्रीस के मशहूर शहरों में है। ग्रीस के ध्रुव पश्चिम तट पर, एजियन सागर और मेगारा की खाड़ी के तट पर स्थित यह शहर अपने नाविकों के लिए जाना जाता है। 7वीं सदी ईसा पूर्व में बाइजेंटियन साम्राज्य का संस्थापक बायजास इसी शहर से आता था। एथेंस और स्पार्टा के बीच पेलोपोनेशियन युद्धों ने ईसा पूर्व 500 से लेकर 365 तक भूमध्य सागरीय इतिहास को बदल दिया। एथेंस और स्पार्टा उस वक्त की सबसे बड़ी क्षेत्रीय ताकत थे। एथेंस के नेतृत्व में डेलियन लीग युद्ध लड़ती थी। स्पार्टा की अगुवाई में पेलोपोनेशियन लीग सेनाएं सजाती थी। यह हालत कुछ शीत युद्ध के रूस अमेरिका गुटों जैसी थी। इनके बीच पहली जंग हुई ईसा पूर्व 460 से 446 के बीच और दूसरी ईसा पूर्व 431 से 406 के बीच। पहली जंग के बाद 30 साल तक तनावपूर्ण शांति रही। इतिहास बताता है कि मेगारा का राज्य स्पार्टा का साथी था, लेकिन वह कारोबार एथेंस के बंदरगाहों से करता था। एथेंस की नौसेना को मजबूत करने के लिए लकड़ी की जरूरत थी, जो पोटिडेनिया के पास थी। यह भी एक नगर राज्य था जो स्पार्टा की पेलोपोनेशियन लीग का हिस्सा था। एथेंस ने इस राज्य पर घेरा डाल दिया। स्पार्टा मदद के लिए आगे आया तो पेरक्लीज ने मेगारा से हर तरह के व्यापार पर प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा दिए। मशहूर मेगारियन डिक्री की घोषणा हुई, जो दुनिया में व्यापार प्रतिबंधों का पहला उदाहरण था।
फिर क्या था, इसके बाद जबरदस्त पेलोपोनेशियन युद्ध भड़क उठा। यह दूसरा युद्ध था। स्पार्टा और एथेंस के बीच खून खच्चर लंबा चला। अंततः स्पार्टा को जीत मिली, लेकिन वह लंबी नहीं चली। मैसेडोनिया का फिलिप ग्रीक पर चढ़ा आया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट इसी फिलिप का बेटा था। पेराक्लिस से नाटो तक प्रतिबंधों की दास्तान इतनी उलझी है कि न इन्हें पूरी तरह कामयाब कहा जाता है और न पूरी तरह असफल। गैरी हफ ब्योर और जेफरी शॉट ने अपनी किताब में प्रतिबंधों के इतिहास को बखूबी बताया है। सैंक्शंस का ग्लोबल डेटाबेस बताता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद करीब 700 मौकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो कभी सफल रहे तो कभी असफल। प्रतिबंध के बावजूद सद्दाम ने कुवैत पर कब्जा नहीं छोड़ा, लेकिन 2012 में यूरोपीय समुदाय के प्रतिबंधों से ईरान को बड़ा नुकसान हुआ और वह नाभिकीय संधि पर राजी हुआ। लंबे प्रतिबंधों के बाद क्यूबा के फिदेल कास्त्रो नहीं झुके। अंततः 2014 में अमेरिका को झुकना पड़ा। बराक ओबामा ने अमेरिका और क्यूबा के कूटनीतिक रिश्तों का नया युग शुरू कर दिया। पुतिन के रूस पर पाबंदियां इन सबसे अलग हैं। यह पाबंदियां रूस को कहीं का नहीं छोड़ेंगी, लेकिन यह पहली बार है जब प्रतिबंधों की तलवार चलाने वाले अपने हाथों को भी लहूलुहान कर रहे हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं महंगाई की आंच में तप रही हैं। रूस का तेल बाजार में नहीं आ रहा है और दुनिया भर में आपूर्ति होने वाली कमोडिटीज की कीमतें सिर्फ इसलिए बढ़ रही हैं कि कमोडिटी और गैस का बड़ा केंद्र और सप्लायर रूस पूरी दुनिया के प्रतिबंधों का निशाना है। तो यह था आज का किस्सा, या किस्सों का सिक्का। अगली बार फिर आएंगे एक नए किस्से के साथ। आप बने रहिए मनी 9 के साथ।